नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे और अपने घरों में होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कमाल के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ये ज़रूर सोचते होंगे कि हम लोग की ट्रेन आने वाले स्टेशन पर कौन से प्लेटफॉर्म पर पहुँचने वाली है। खैर दोस्तों, हम लोग को उतना अंदाज़ा होता नहीं, लेकिन लोको पायलट जो कि ट्रेन चला रहे होते हैं, क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है कि उनकी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर जा रही है? तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बात यदि छोटे स्टेशनों की जाए जहाँ सिर्फ अप और डाउन लाइनों के लिए एक या दो प्लेटफॉर्म ही होते हैं, तो हाँ, लोको पायलट को क्या बल्कि रोज़ सफ़र करने वाले यात्रियों को भी पता होता है कि उनकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। लेकिन बात करें वहीं बड़े बड़े स्टेशन जैसे कानपुर सेंट्रल, मुंबई जैसे प्लेटफॉर्मों की बात करी जाए, तो वहाँ थोड़ा अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। रही बात लोको पायलट की, तो वह सेक्शन में लगातार काम करते रहने से इतना अभ्यस्त हो जाता है, उन्हें इतना अनुभव हो जाता है कि उन्हें मालूम रहता है कि उनकी ट्रेन कौन से जंक्शन पर कौन से प्लेटफॉर्म पर पहुँचेगी, तब और ट्रेनों की सामान्य स्थिति क्या रहती है। दोस्तों, ये चीज़ कोई कंफर्म नहीं रहती कि इसी प्लेटफॉर्म है तो इसी पर ही ट्रेन आएगी। दोस्तों, बात करें ट्रेनों की सामान्य स्थिति क्या रहती है, ये भी निर्भर करता है कौन कौन सी ट्रेनें आ रही हैं, कौन कौन सी ट्रेनें आगे किस दिशाओं में जा रही हैं, उस और कौन कौन से प्लेटफॉर्म उसकी ट्रेन के लिए खाली रह सकते हैं। इस तरह उसे एक अंदाज़ा रहता है कि उसकी ट्रेन अमूमन किस प्लेटफॉर्म पर ली जा रही है। फिर काफ़ी कुछ स्टेशन की संरचना पर भी निर्भर करता है कि कितनी दिशाओं से ट्रेन आ रही हैं। ऐसे में सभी ट्रेनों के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म निर्धारित किए जाते हैं उनके आगमन और प्रस्थान के साथ दूसरी दिशाओं की ट्रेनों के रूट कम से कम बाधित हो, जिससे उनको भी साथ साथ लिया या निकाला जा सके, जिसके समय की बचत भी हो सके। ये सब बातें भी लोको पायलट को एक अंदाज़ा देती है उसकी ट्रेन को अगले रुकने वाले स्टेशन पर किस प्लेटफॉर्म पर लिया जा सकता है। लेकिन कब कौन सी स्थिति आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी दूसरी ट्रेन भी विलंब से चल रही हो, या किसी प्लेटफॉर्म लाइन या स्टेशन के कुछ हिस्से में सिग्नल संबंधित ब्रेकडाउन होने के कारण, किसी अन्य अवांछनीय कारण से भी ट्रेन को किसी भी उपलब्ध प्लेटफॉर्म पर लिया जा सकता है। किसी भी स्थिति में कोई भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को लिया जा सकता है, जिसके बारे में लोको पायलट को भी नहीं पता होता है। और रेलवे पूर्व अनुमान से चलती भी नहीं है, अतः लोको पायलट को भी उसके रुकने वाले स्टेशनों के होम सिग्नल के ऑफ किए जाने के बाद ही पता चलता है कि उसकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर ली जाएगी। जैसे आप यहाँ पर चित्र में दर्शाया कि आप देख सकते हैं कि होम सिग्नल में तीन रूट इंडिकेटर हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए जलाए जाते हैं, जिससे लोको पायलट को प्लेटफॉर्म की जानकारी मिलती है। इस प्रकार के होम सिग्नल में बड़े बड़े जंक्शनों के मामले में अधिकतम 6 रूट इंडिकेटर तक हो सकते हैं, और जब इतने से भी काम नहीं चलता तब स्टेंसिल प्रकार के रूट इंडिकेटर लगाए जाते हैं, जैसा कि नीचे चित्र में देखा जा सकता है, ताकि लोको पायलट को उसकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर ली जा सकती है उसे पता चल सके। जबकि उस ट्रेन को किस प्लेटफॉर्म पर लेना है, इसकी योजना स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर के समन्वय के करीब आधा घंटा या ट्रेन के आने के कुछ समय पहले ही बना चुके होते हैं। हम बात करेंगे, तब बहुत संभव है कि उस स्टेशन पर मौजूद यात्री को पैसेंजर अनाउंसमेंट के जरिए इस गाड़ी के लोको पायलट से कहीं पहले मालूम हो जाता है कि उसकी गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर ली जाने वाली है। तो दोस्तों, ये था, एक बार मैं फिर बताऊंगा कि जब आपकी ट्रेन किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर आ रही होती है, ताकि थोड़ा ट्रैफिक कम हो सके, किसी बड़े स्टेशन पर आ रही होती है, तो स्टार्टिंग पहले होम सिग्नल होता है जिसमें ये पता चलता है, उसी टाइम लोको पायलट पता चल जाता है कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। उसी के टाइम ठीक दो जगह उस स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रहा है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। तो दोस्तों, आपकी ट्रेन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। न्यू दिल्ली, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। स्टे होम, लखनऊ जंक्शन घर में रहिए, और इसके आगे अच्छे से रहिए। तब तक के लिए टर्मिनल स्टेशन, धन्यवाद। टर्मिनल स्टेशन वो